बैग पैक है, मेरा और मायरा का बैग बिल्कुल पैक हो चुका। बन रहा है ओट्स का चिल्ला और इसमें बहुत सारा कैरेट है, बहुत ही हेल्दी है। अनियन और कैरेट के साथ में बना रही हूँ। जल्दी सैंडविच बना रही थी और आज मैंने क्या किया है ना, ये मयू के लिए सैंडविच को साइड से निकाल के उसमें बटर लगा के सेक रही हूँ। तो फटाफट ये बन गया है, साथ के साथ ओट्स का चिल्ला बन रहा है और यहाँ पे ब्रेड अंडा बनेगा, तो इसको बंद कर दिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली मेरी क्रिसमस ट्रिप स्टार्ट होने वाली है और हम लोग बहुत एक्साइटेड है। और ना आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे बगल वालों ने क्रिसमस के दिन, यस उनका सेंटा क्लॉज वाले दिन गिफ्ट एक्सचेंज होता है, तो कैसे उन लोगों ने कहा कि उनके घर के बाहर गिफ्ट रखें और डोरबेल बजाएं, और उनके बच्चों के रिएक्शन मैं दिखाऊंगी। पास में ही सेल्फी हाउस था, वहां गई थी मायरा को लेके, तो उसकी कुछ क्लिप्स आपसे शेयर करती हूँ। सिंटर क्लास सेल्फी हाउस में गाइस हम लोग ने बहुत ज्यादा मस्ती करी, बच्चों ने बहुत सारे गेम्स खेले और बहुत ही मजा आया। मेरी फ्रेंड बैक्स भी मेरे साथ थी, तो हम दोनों ने बहुत सारा डांस भी किया क्योंकि वहाँ पे म्यूजिक भी बज रहा था। यहाँ पे ना बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं, जो पाइटन सर्टिफिकेट होते हैं, और बहुत ही मस्ती करी हम लोगों ने, मजा आ गया। और मायरा को तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। होप गाइस आप लोगों को ये सेल्फी हाउस की क्लिप अच्छी लगी होगी। और इसके बाद अब आप देखिए कि नितिन कैसे गए थे चुप्पे से बगल में गिफ्ट रखने के लिए, ताकि बच्चे उनके सरप्राइज हो सके। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी उनके बच्चों का रिएक्शन क्या था। तो गाइस ये नितिन गिफ्ट लेके जा रहे हैं हमारे बगल में रखने, तो ये हमारे सेंटा क्लॉज सिंटा क्लॉज है आज। हाउ आर यू फीलिंग? तो यहाँ से नितिन जाएंगे और उनके घर में रखेंगे। Have you described all this? Yeah, I'm seeing that. You're seeing that. Nay, and you know that. Oh my gosh. What do you got there, Luke? Mostly good. Is that the bestest? Yeah. It's really red, like a red fire monster truck. Okay. आई होप आप लोगों को मजा आया होगा बच्चों को रिएक्शन देख के। मुझे कल मॉर्निंग में अपनी ट्रिप पे निकलना है और आई एम सो एक्साइटेड वहां जाने के लिए। तो फटाफट मैं अपनी पैकिंग करती हूँ और आप देखिए कि मैं पैकिंग कैसे कर रही हूँ। और ना कल ही आपको मैं बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब अमेजिंग प्लेस जा रहे हैं गाइस। मैं 2-3 शहर कवर करूंगी और एक नई कंट्री में भी जाऊंगी, इंजॉय करते हैं। हाँ ये बात अलग है कि मैं 2-3 साल पहले उस कंट्री में ऑलरेडी कुछ और शहर गई थी, पर इस बार हम दूसरे शहर एक्सप्लोर करेंगे, तो मजे करते हैं। पहले फटाफट पैकिंग करते हैं और फिर निकलेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी पैकिंग चल रही है, तो मैंने ये हेयर बैंड लिया है, काफ़ी लेट हो चुका है और इतनी लेट में मुझे पैकिंग करना पड़ रहा है, थोड़ा सा टायरिंग हो गया है और मेरे ना स्टमक में भी पेन हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने ना बच्चे के लिए ये हेयरबैंड लिया है, तो वहाँ पे वो ट्रिप में ना ऐसा कुछ हेयरबैंड पहनेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है गाइस, पता है आप लोगों को? बेबी मायरा पहनेगी ये रेड फ्रॉक और इस रेड फ्रॉक के साथ लगाएगी ये रेड क्लिप, और इस रेड क्लिप और रेड फ्रॉक के साथ जब वो ये कपड़ा पहनेगी ना, तो मैं भी रेड पहन लूँगी। और मैंने अपनी रेड टी शर्ट और रेड स्वेटर निकाल लिया है और इसके साथ मैं अपनी ब्लैक ट्राउजर पहनूंगी। तो ऐसे ही मैंने छोटा छोटा ना मिक्स मैच करके ड्रेसेस अपना और मायरा का सेम बनाया है। और बेबी मायरा के पास एक ये बहुत ही क्यूट सी ड्रेस थी जो कि मायरा ने सिर्फ 2 घंटा पहना है। इसके साथ है ये इसका बूमर और मैं इसके साथ पहनूंगी ये ड्रेस। तो ये ड्रेसेस सब मैं एक एक बार पहन चुकी हूँ गाइस, पर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि एक बार पहन ले तो दोबारा नहीं पहनना है। तो मैं इसके साथ अपनी ये ड्रेस पहन लूंगी और बेबी मायरा ये पहनेगी, और इसके साथ भी बेबी मायरा के पास ही प्यारे सी क्लिप्स है मैचिंग।
तो मायरा के पास सब कुछ मैचिंग है और बहुत ही प्यारा लगेगा। और नितिन के साथ भी मैंने मैच कर रखा है, तो अगर नितिन ये पहनेंगे तो मैं इसके साथ ये टी शर्ट पहनूंगी। इस तरीके की मेरी टी शर्ट है ग्रीन कलर की, और इस ग्रीन टी शर्ट के साथ मैं ये हेयर बैंड लगा लूंगी। तो ऐसा ऐसा छोटा छोटा सा हमने मिक्स मैच करके प्यारा सा क्यूट सा बना रखा है। और सेम मायरा की ये क्रिसमस स्वेटर के साथ भी ये इनका स्वेटर चला जाएगा, तो ये पूरा क्रिसमस थीम है। बेबी मायरा की फ्रॉक आई थी तो आज तक इसे पहनाने का मौका नहीं मिला, तो मैं सोच रही इस बार पहनाऊँ। और इसके साथ मैं एक ऐसे कलर की मेरी एक ड्रेस है तो ये पहन लूंगी। जब हम लोग पहनेंगे तब आप लोगों को सही से समझ आएगा, तब तक मैं फटाक से अपना सारा पैकिंग करती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, रात के 10:30 बज रहे हैं और मुझे पैकिंग करनी है। तो फटाफट गैस करते हैं, मिलते हैं सब कुछ सेटल करके। तो सारे कपड़े ऑलमोस्ट तय हो चुके हैं, और इसमें ना मैंने मयू के जो टाइट्स होते हैं और मयू के जो इनर वियर हैं वो रखे हुए हैं, और डायपर का एक सेपरेट रेडी है। तो मैं 30-40 डायपर लेके जा रही हूँ, फटाफट मयू के कपड़े भी रख दिए जाएं। हमारी पैकिंग डन हो चुकी है, बैग पैक है, मेरा और मायरा का बैग बिल्कुल पैक हो चुका है, और मेरा कैरी बैग भी रेडी हो चुका है। तो ऑलमोस्ट सारी पैकिंग डन है, वी आर रेडी टू गो, ऑल सेट, थम्स अप। तो गाइस अगर आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक से ना सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे के ब्लॉग देखते रहिएगा। बहुत ही अमेजिंग ट्रिप है, बहुत मजा आने वाला है। बैग रेडी हो गया है भाई मेरा और मायरा का, और इनके पापा का भी ऑलमोस्ट सेट है। मायरा के पापा का भी बैग मैंने सारा सामान निकाल के रख दिया है, बस बैग में उन्हें रखना है क्योंकि उनको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रखना है, इसलिए मैंने सारा सामान यहाँ पे साइड में ही रख दिया है। वी आर रेडी टू गो, थम्स अप।